بندوں کے ساتھ احسان ہے بندوں کے ساتھ احسان ہے سب سے پہلا احسان بندوں میں کس وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ووصينا الانسان بوالديه حسنا ووصينا الانسان بوالديه احسانا وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلاَ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بندوں میں سب سے پہلا احسان اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دیا کن کو والدین والدین احسان کرو ان کے ساتھ اما दोनों को पाया या एक को पाया हो माँ, और किला हो माँ। एक को पाया माँ को या बाप को या दोनों को पा लिया उस पर लाजिम है कि उनको खुश करके जन्नत बना ले बदबरीन है कि बुढ़ापे पे पहुँच जाए और फिर भी ये जन्नत उनकी खिदमत करके हासिल न करे तो जिब्राइल ने कहा कि हला को बर्बाद हो जाए अल्लाह के रसूल ने कहा कि आमीन फिर उसकी तो बर्बादी में कोई शक नहीं जिसने अपनी जिंदगी में मां को या बाप को या दोनों को पाया खिदमत न की और उस खिदमत के जरिए जन्नत न ली याद रखो वो जहन्नमी है वो जहन्नमी है वो जहन्नमी है जिसमें रसूल की आमीन शामिल है और जिब्राइल की दुआ शामिल है एहसान का सबसे पहला सुलूक अबुक अल्लाह ने फैसला कर दिया है अल्लाह तअब्दु इल्ला अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना होगी वबिल वालिदैन ihsana वालिदैन के साथ नेक सलूक करो एहसान करो इम्मा यब्लुगना 'इंदकल किबर अगर ये दोनों बूढ़ापे में पहुंच जाएं बूढ़े हो जाएं अहदुहुमा औ किलाहुमा दोनों या एक फला तकुल लहुमा उफ उनके सामने तुम उफ भी ना कहो उफ इतना लफ्ज भी ना कहो उफ 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 गालियां तो बहुत दूर की बात है झिनकाना तो बहुत दूर की बात है आवाज बुलंद करना तो बहुत दूर की बात है अल्लाह कहता है उफ भी ना कहो उफ जो हुक्म दिया करो सिवाय अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म है तो छोड़ सकते हो हाँ कोई कहती है माँ या बाप दरगाह गुजा शिर इस वक्त छोड़ सकते हो वह इन जहादा का अलांतुशरी दलील से बोलता हूँ मेरी अपनी बात नहीं लुकमान खोल के पढ़ो सुरमान में अल्लाह तबारा को वह तला हजरत लकमानसम जो बेटे को नसीहत करते हैं उसमें साफ कहा कि वह इन जाहदा का अगर तेरे माँ बाप मजबूर करें तुझे अला अंतुशरी कभी कभी तू अल्लाह के साथ शरीक कर इस पर तेरे मां बाप तुझे मजबूर करें जिसका तुझे इल्म नहीं है फला तो ते हुमा उसकी इतात न कर वो साहिब हुमा फिर दुनिया मरूफा लेकिन इतात इस बात में नहीं करेगा दुनिया के मामलात में तभी भी उनकी फर्मा बरदारी और खिदमत करेगा अल्लाह 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 क्या मैार रखा है देखो कहा कि इतात तो नहीं करनी है इस बात में लेकिन छोड़ के चला जाना उनको अकेला छोड़ देना अलग हो जाना आज तो क्या है बीवियों को लेके सात दिन आठ दिन में अलग हो जाते जाता को ख्याल भी नहीं होता कि जिंदगी के, के अम्मा अयाम में उन्होंने क्या किया था अपने खून को दूध बना के पिलाया था बदबकतों को याद नहीं रहता सात दिन का जो चक्कर चलता है आठवें दिन गायब वो माँ जिसने क्या है इसी जिंदगी के लिए रह रह के राहें तकी थी कि बच्चा बड़ा होगा मेरे साथ होगा सारा होगा बीवी के एक बात पे निकल के जा रहा है और उसके बाद फलसफा भी हो जाता मोनि साहब बोले बीवी को प्राइवेसी होना का तो घर ले को देना कहते हमें जात नहीं करो बास चीज़ा मेरे पास ही आए थे मैं जब हुकूक़ पे बात किया था बाद में मुझे फ़ोन आता मौलिस साहब क्या मोदी साहब तुम्हें ऐसा बोल करो मेरे बच्चे को दूर कर डाले उन्हें बोलता बराबर ही करो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सहबारा दोबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ माँ को अगर बेटे की जरूरत है कोई अलग नहीं हो सकता जब तक के मां नहीं जा सकते इसका मतलब यह नहीं कि बीवी को प्राइवेसी होना हो तो मां से अलग कर दो बीवी की प्राइवेसी बीवी तक अलग घर लेके दो कुछ भी दो लेकिन वसाब दुनिया मारूफा तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हक हाँ मां का है कि मां के लिए अलग से वक्त देना है तुम्हें कहा दुनिया के किसी कोने में जाओ मां का अपना हक हाँ है इसके लिए तुम अलग जब तक के वो राजी ना हो जब तक के वो राजी ना हो तब तक तुम उनके लिए अलग नहीं हो सकते हाँ रात बीवी की है दिन माँ का है दिन में कोई भी कोई हिस्सा तुम्हें माँ के पास गुजारना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं या नहीं तो ऐसी बिल्डिंग तलाश करो जिसमें माँ को ऊपर रख सको और बीवी को नीचे या नीचे माँ को या ऊपर बीवी को एक ही बिल्डिंग के अंदर रहो ये हुकूक है यह हुकूक हैं गलत मतलब मेरे बयानों से मत निकालो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मां का हक है बाप का हक है